नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगा। सब मस्त तंदुरुस्त होगे, हो ना? तो आज जो है आपका ज्योमेट्री का 11वां लेक्चर है और धीरे धीरे ज्योमेट्री पिक पे चढ़ेगा, ठीक है? तो आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा डट के, पता है ना कि जितना किसी चीज में आगे बढ़ेंगे, जितना किसी चीज के बारे में ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे, उतना उसमें मुश्किलों का सामना भी हमको करना पड़ेगा। तो इसलिए डट के लगे रहना है। एक बार में ना समझ में आए, दो बार में ना समझ में आए, तीन बार, लेकिन समझ के छोड़ना है। इस बार बिना समझे इसको जाने नहीं देना है, कसम खा लो। पहले प्रोमिस करो, कॉमेंट करके प्रोमिस करो फटाफट कि इस बार प्रोमिस कर रहे हो ना कि इस बार पूरा ज्योमेट्री एकदम बेहतरीन लेवल का कम्प्लीट कर लोगे। सोचो अगर पूरा एडवांस तुम्हारा बेहतरीन लेवल से कम्प्लीट हो जाए, फिर तुमको कोई रोकेगा? कहां के तू, कहां तुम पहुंचोगे? अंदाजा है तुमको? तो इसलिए जम के लगेंगे, ठीक है ना? आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डेली नया नया चीज आ रहा है, आपके उम्मीद से अलग हट के आ रहा है, ठीक है, जिसका आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जैसे पिछला लेक्चर में जैसा जैसा आपने क्वेश्चन किया, देखे होंगे आपको कितना मजा आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता दें कि मैथ और रीजनिंग का जो मॉक टेस्ट चलता है वो मंडे टू फ्राइडे चलता है। आपका 8:15 पे सेशन स्टार्ट होता है, लाइव क्लास रहता है, और ये जो चलता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है। इस मॉक टेस्ट को जरूर ज्वाइन कीजिए लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड के चक्कर में मत रहिए। लाइव क्लास कोशिश कीजिए कि इस टाइम पे किसी तरह से आप समय निकालिए, अपने आप को खाली कीजिए। अगर आप रात को 2 बजे भी सोते हैं तो 7:30 तक उठिए, और 2 बजे से लेट सो रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी सोइए, ठीक है। 2 बजे से लेट सो रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी सोइए, लेकिन 7:30 तक किसी तरह उठिए। 8 बजे तक कॉपी पेन लेकर के मॉक टेस्ट के सामने बैठ जाइए, ताकि अगर आप ही मॉक टेस्ट जब करके देखेंगे ना सुबह सुबह, आपको इतना एनर्जी फील होगा ना, पूरा दिन इतना एनर्जेटिक रहेंगे ना कि आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आपका कंप्लीट मैथ एडवांस प्रो लेवल, जिसमें एडवांस मैथ चल रहा है मंडे टू फ्राइडे, 11:15 पे सेशन आपको मिलता है, और रिकॉर्डेड क्लास मिलता है। किस चैनल पे मिलता है? राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ से तो कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में जो आपका अर्थमेटिक है, ये मंडे टू फ्राइडे चलता है, 8:15 पे रात में सेशन स्टार्ट होता है, और ये जो रहता है आपका लाइव क्लास रहता है राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे, ये भी आपका सेशन चलता है, ठीक है। तो आ जाइए बिना देर किए फटाफट, मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। आ जाइए फटाफट बिना देर किए, आगे बढ़ा जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे तो आगे कंप्लीट रीजनिंग का भी हमने टेंशन खत्म कर लिया है आपका मंडे टू फ्राइडे 10:15 पे रिकॉर्डेड क्लास रहता है। इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे आपका क्लास जो है चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आ जाइए अब आगे बढ़ते हैं। और आपका आ गया, हमने बोला था कि कुछ ट्रिपलेट के बारे में आपका जानना जरूरी है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है। और मैथ के लिए इधर उधर भटकना बंद कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इतना किसी का औकात नहीं है कि पैड कोर्स में भी आपको दे दे। तो बिना मतलब आप इधर उधर परेशान मत होइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कॉन्स्टेंट रहिए और पढ़ने पे फोकस कीजिए। जैसे अगर हम ट्रिपलेट का बात करें, यहाँ पे अगर ट्रिपलेट का यहाँ पे हम बात करें तो ट्रिपलेट क्या होता है, पहली बात समझ लीजिए। ट्रिपलेट इज अ सेट ऑफ 3 इंटीजर्स, ट्रिपलेट इज ए सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर, 3 पॉजिटिव इंटीजर एंड सी इंटीजर विच सेटिस्फाई सी के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वेयर सी इज द लार्जेस्ट, ठीक है। सी जो है सबसे बड़ी है, सी इज द लार्जेस्ट। ट्रिपलेट जो है तीन धनात्मक पूर्ण संख्याओं का पूर्णांक का एक समूह है जो कि सेटिस्फाई करेगा। सी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और सी जो होगा वो सबसे
बड़ा होगा। बात समझ में आए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ना ही कोई समस्या होगा। अब यहाँ पे जैसे कि देखेंगे आप, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात कर ले, तो एग्जाम्पल अगर ले तो एग्जाम्पल जैसे कि 3, 4, 5 अगर हम लेते हैं, तो देखिए कैसे सेटिस्फाई करेगा सी, जो कि 5 है सबसे बड़ा, तो 5 का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ पे 25 आ गया और बराबर में ये भी 25 हो गया, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि 3, 4, 5 क्या है, ट्रिपलेट है। इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे। और अगर किसी त्रिभुज का भुजा जो है ट्रिपलेट है, क्या है, अगर किसी त्रिभुज का भुजा जो है ट्रिपलेट है, आपको पता चल गया देख के ही कि ट्रिपलेट है, तो फिर कौन सा ट्रायंगल बनाएगा, तो फिर ही बनाएगा सर जी राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाएगा। बात समझ में आ गया, कौन सा ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो अगर आपको कुछ ट्रिपलेट जैसे कि इंपोर्टेंट ट्रिपलेट है अगर वो आप याद रखते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि वो देख के ही आप बता देंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यहाँ पे बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, एक बार फटाफट कमेंट कर दीजिए जल्दी से। और यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट आपको लिखवाएंगे, इसको लिखिए, और इसको लिखना है और साथ में डेली इसको एक दो बार पढ़ते रहना है, ताकि आपको ये अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। तो जैसे अगर इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट का हम बात कर लें, तो इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट का हेडिंग लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना है। जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट याद करना आपके लिए अनिवार्य है, क्यूब एंड क्यूब रूट याद करना अनिवार्य है, कुछ पहाड़ा आपको याद करना अनिवार्य है, उसी तरह से गणित को आसान बनाने के लिए कुछ ट्रिपलेट भी याद करना अनिवार्य है। तो जैसे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ले लीजिए 3, 4, 5 पहला ट्रिपलेट आप देखे हैं, 3, 4, 5 जो है वो आपका ट्रिपलेट था। दूसरा अगर बात करें हम, तो 5, 12, 13 आप ले लीजिए, 5, 12, 13 क्या है आपका ट्रिपलेट है। जैसे कि अभी आपको चेक कर सकते हैं आप, 7, 24, 25 जो है आपका ट्रिपलेट है, 7, 24, 25 जो है आपका ट्रिपलेट है। अगर आगे हम बात करें तो 8, 15, 17 भी आपका ट्रिपलेट है, 8, 15, 17 क्या है, ये भी एक ट्रिपलेट है। 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 जोड़िएगा, 225 में 64 289 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से अगर आगे बढ़ेंगे तो 9, 40, 41 जो है आपका ये भी एक ट्रिपलेट है, जोड़ के देख लीजिए, 41 का स्क्वायर 1681 होता है, 40 का स्क्वायर 1600, 9 का स्क्वायर 81, 1600 में 81 जोड़ देंगे आपका आ जाएगा। अगला अगर और बात करें तो 1161 कभी कभी दिख जाएगा आपको क्वेश्चन में, ये सब मोस्ट रिपीटेड है, ठीक है। अगला अगर बात करें हम, तो 12, 35, 37 हो जाएगा, 12, 35, 37 हो जाएगा, 12, 35, 37 भी एक आपका ट्रिपलेट है। और भी अगर आगे बात करें तो 16, 63, 65 भी हो जाएगा, 16, 63 और 65 भी एक आपका ट्रिपलेट है। ये सब कुछ नया भी आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आगे अगर बात करें तो 13, 84, 85 हो जाएगा, 13, 84 और 85 हो जाएगा, ये भी आपका एक ट्रिपलेट है। बात समझ में आ रहा है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ना ही कोई समस्या होगा। एक ट्रिपलेट है 20, 21, 29 जो कि आप जान रहे हैं, 20, 21, 29 ही बहुत रिपीट होता है ट्रिपलेट के केस में। अगला अगर बात करें तो 28, 45, 53 भी आपका एक ट्रिपलेट है, 28, 45 और 53 ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है। बात समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अगला बात करें तो 33, 56, 65 भी आपका ट्रिपलेट है, 33, 56 और 65 भी एक ट्रिपलेट है, ये भी कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस सारा ट्रिपलेट एक बार माइंड में 2 बार 4 बार देखते रहिएगा, तो इसमें से बहुत सारा माइंड में आ जाएगा, कुछ ऐसा रहेगा जो कि माइंड से बाहर रहेगा। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, ये सब तो आपको पता ही है पहले से ही, 20, 21, 29 आपको पहले से पता है, 11, 60, 61 पहले से पता होगा, 12, 35, 37 पहले से पता होगा। तो ये कुछ बहुत सारे जो है आपको पहले से पता है, कुछ आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, यहां से आगे बढ़े तो इतना अगर आप माइंड में रखते हैं तो काम भर का हो चुका है, ठीक है। ज्यादा रहने देते हैं क्योंकि ट्रिपलेट तो अनलिमिटेड है, ठीक है ना, तो इतना ही रखते हैं, इसको आप माइंड में रखिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है। ये अलग अलग है, ये कॉमा है, ठीक है ना, 9 मत समझ लेना कि सब में 9 लिखा हुआ है, ये कॉमा है, ठीक है। अब अगर इसी में अगर अगला पॉइंट बताएं, तो जैसे इसका अगर हम किसी संख्या से ट्रिपलेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको एक ट्रिपलेट देगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप लिख लेंगे, मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ ए ट्रिपलेट, अगर किसी भी ट्रिपलेट का आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं, ठीक है, तो जो आगे आएगा विल ऑल्सो बी अ ट्रिपलेट, रिजल्ट विल ऑल्सो बी, रिजल्ट विल ऑल्सो बी अ ट्रिपलेट, रिजल्ट विल ऑल्सो बी अ ट्रिपलेट, बी अ ट्रिपलेट, तो रिजल्ट जो होगा वो भी आपका एक ट्रिपलेट होगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे तीन चार पांच को लेते हैं, तीन चार पांच को, तो यहां से अगर इसमें हम दो से गुना करते हैं तो छह हो जाएगा, इसमें दो से गुना करेंगे आठ हो जाएगा, और इसमें दो से गुना करेंगे दस हो जाएगा, तो छह आठ दस भी है आपका एक ट्रिपलेट है। बात समझ में आ गया, ये जो हमने आपको लिखवाया है ये आपका फंडामेंटल ट्रिपलेट है, ठीक है। आगे ये जो है आपका डिराइव्ड ट्रिपलेट है, इससे ये बना है। अगर इसको अगर देखेंगे तो पांच है, पांच बारह तेरह है ना, पांच बारह तेरह, इसमें दो से गुना कर दो, पांच दूना दस हो जाएगा, बारह दूना चौबीस हो जाएगा, और तेरह दूना छब्बीस हो जाएगा, तो दस चौबीस छब्बीस भी आपका एक ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ये तो आ गया। अब इसका फायदा कहाँ पे होता है, जो ये पॉइंट हमने लिखवाया कि किसी भी ट्रिपलेट में अगर हम किसी भी समान संख्या से गुना करते हैं या भाग देते हैं तो भी एक ट्रिपलेट बनता है, इसका फायदा कहाँ पे होता है, तो फायदा जैसे यहाँ पे आपको दे देगा तीन चार पांच, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे दिया, जैसे कि यहाँ पे ध्यान देंगे, ट्रिपलेट दे दिया कि एक तीन रूट दो है, चार रूट दो और पांच रूट दो। अब आप पता नहीं कर पाएंगे कि ट्रिपलेट है कि नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो तीन चार पांच आपका ट्रिपलेट होता है, तीन चार पांच ट्रिपलेट होता है, तो तीन में क्या किया गया है, तीन में रूट दो से गुना किया गया है, चार में क्या किया गया है, चार में सर जी रूट दो से गुना किया गया है, और पांच में क्या किया गया है, पांच में रूट दो से गुना किया गया है। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपका ट्रिपलेट बनता है, और ट्रिपलेट का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। तो देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे, जैसे इसमें एग्जाम का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो जिस जिस क्वेश्चन में आपको एग्जाम का नाम नहीं दिखेगा, इसका मतलब है कि सब एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी वाला जो टाइपिंग हुआ हो उसमें एग्जाम का नाम डालना ये नहीं हुआ है, तो ये सब एसएससी का क्वेश्चन है। और रेलवे वाला जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप देख पा रहे हो उसमें एग्जाम का नाम डाला हुआ है। तो कुछ लोग का था कि सर एसएससी का क्वेश्चन लाइए, तो सारा जो बिना नाम का क्वेश्चन लेके आ रहा है ना, ये सारा क्वेश्चन ही एसएससी का है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता है जिसकी भुजाओं की माप इतना है। अब यहाँ पे आपको अभी हम आपको पढ़ाए हैं कि पांच बारह तेरह क्या है, एक ट्रिपलेट है। पांच बारह तेरह क्या है, एक ट्रिपलेट है, मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा, बनेगा ना। यहां से तीन चार पांच वाला से देखे हैं कि दो से गुना करने पे क्या आ रहा था, छह आठ दस आ रहा था, तो छह आठ दस क्या है, एक ट्रिपलेट है, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। ये भी आपको देखे हैं कि तीन चार पांच क्या है, एक ट्रिपलेट है, तो ये भी समकोण त्रिभुज बनेगा। लेकिन जैसे ही प्यारे लाल इसको देखोगे पांच सात नौ को, तो पांच सात नौ ये जो है आपका ट्रिपलेट नहीं है। पांच सात नौ क्या है, ये जो है आपका ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, इससे समकोण त्रिभुज हम नहीं बना सकते हैं। बात समझ में आ गया, यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा ना ही तनिक भी परेशानी होगी। नेक्स्ट पे चले ना, आ जाइए नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में टू एंगल एबीसी बराबर नाइन एंगल एसीबी और टू एंगल बीएसी बराबर सेवन एंगल एसीबी। इफ एबी बराबर सात है, एसी बराबर पच्चीस है, देन द लेंथ ऑफ बीसी इज, बीसी बताना है कि लेंथ जो होगा बीसी का वो क्या होगा। तो यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल बना लो, पहले यहाँ पे देखो ये टू एंगल एबीसी है, एबीसी आपका बराबर है नाइन एंगल एसीबी का, एसीबी का। तो यहां से एंगल एबीसी, एबीसी अगर बटे कर ले हम एंगल एसीबी तो हमको कितना मिल जाएगा, नौ बटे दो मिलेगा, नौ बटे दो मिलेगा। यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा। अगर यहीं से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे इस लाइन को अगर देखो तो यहाँ पे टू एंगल बीएसी है, टू एंगल बीएसी है, टू एंगल बीएसी जो है, सेवन एंगल एसीबी है, सेवन एंगल एसीबी है। तो यहाँ पे एंगल बीएसी जो है, बीएसी बटे में एंगल एसीबी, ये कितना हो जाएगा, सात बटे दो हो जाएगा, सात बटे दो हो जाएगा। अब यहां से अगर हम एंगल एबीसी, यहाँ पे ध्यान दो प्यारे लाल भाई साहब, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम कहें कि एंगल ए बी सी रेशियो एंगल ए सी बी
एसीबी रेशियो एंगल बी एस, क्योंकि यहाँ पे एसीबी और यहाँ पे भी एसीबी दोनों बराबर है, तो तीनों का रेशियो हम, तो एबीसी कितना है 9 है, एसीबी कितना है 2 है और बीएसी कितना है 7 है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जब यहाँ पे आप देखे ध्यान से, तो हमने आपको पीछे बताया था कि जब दो एंगल का सम तीसरा एंगल के बराबर आ जा रहा है तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज के केस में ही यहाँ पे जो होता है ये 90 है, तो बाकी दोनों का सम कितना होता है 90 होता है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों इसके बराबर है, तो सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल आ रहा है यहाँ पे, तो इसको लिख लो सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, टू द थर्ड एंगल, थर्ड एंगल दो कोनों का योग जो है वो तीसरी कोण के बराबर है, सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए जो है आपका समकोण त्रिभुज है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ई हमको पता चल चुका है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, बात समझ में आया, यहां तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल पता चला, मतलब कि जो 25 है ये आपका हमारा यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, और यहाँ पे ए बी, तो इसको बी मान लेते हैं, ये ए हो गया और ई सी हो जाएगा, तो ए बी आपका 7 है तो कितना हो जाएगा, तो भाई साहब बताए हैं अभी आपको ट्रिपलेट 7 24 25, नहीं याद है तो निकालो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करके आना, तो 25 डायरेक्ट 24 डायरेक्ट आंसर मारो, देखो यहाँ पे बताए हैं कि नहीं बताए हैं, 7 24 25। अभी ट्रिपलेट याद करने से क्या फायदा होने वाला ही पता चल रहा है, ट्रिपलेट याद करने से क्या फायदा होगा ये पता चल रहा है ना। अब यहाँ पे अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो तुम 25 का स्क्वायर करोगे माइनस 7 का स्क्वायर करोगे 576 आएगा, फिर अंडर रूट करोगे 24 निकल के आएगा, और अगर ट्रिपलेट याद है तो 10 सेकंड में आंसर मार दोगे, मतलब कि यहाँ पे सी जो है आपका किसका पूछा है, आपका बीसी जो है कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ गया, बढ़े आगे ना, तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक अधिक कोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 8, 15 और 1 से यदि 1 से पूर्णांक है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हो सकते हैं, ठीक है, तो आ जाइए इसमें आपका दो गो केस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 15 बड़ा है कि 1 बड़ा है ये कन्फर्म नहीं किया गया है, ठीक है, 15 बड़ा है कि 1 बड़ा है कन्फर्म नहीं किया गया है। पिछला क्लास में जो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वाला आपने क्वेश्चन किया था उसमें सब हमको पहले से ही पता था कि कौन सा भुजा बड़ा है, सबसे बड़ा, लेकिन यहाँ पे पता नहीं है, तो 15 और 1 दोनों को एक एक बार बड़ा लेना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, तो यहाँ पे बना लीजिए अधिक कोण त्रिभुज, छोड़िए इस अधिक कोण त्रिभुज बनाते नहीं है, पहल का बात कि यहाँ पे x का मान जो होगा वो 15 माइनस 8 से बड़ा होगा, 15 माइनस 8 से बड़ा होगा और 15 प्लस 8 से छोटा होगा, ये तो आपको पता है, मतलब 7 से बड़ा होगा x का मान और 23 से छोटा होगा, ये जनरल कोई भी ट्रायंगल के लिए है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल के लिए ये चीज है, ठीक है ना, हमने आपको बताया है कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का जो अंतर होगा वो तीसरी भुजाओं से छोटा होगा, ठीक है, तो अंतर देख पा रहे हैं 7 है, x से छोटा होगा, और ये भी हमने बताया कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग जो होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीसरी भुजा x है, x से 23 बड़ा है, अब 23 से हम छोटा ले सकते हैं x का मान, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब अधिक कोण, तो यहाँ पे केस वन हम मान के चलते हैं कि केस वन में अगर हम ले लेते हैं, केस वन में 15 इज द लार्जेस्ट साइड, 15 इज द लार्जेस्ट साइड, 15 को सबसे बड़ी भुजा मान लेते हैं, 15 इज द लार्जेस्ट साइड, 15 जो है आपका सबसे बड़ी भुजा है, और जब 15 सबसे बड़ी भुजा है तो 15 का स्क्वायर जो होगा, 15 का स्क्वायर जो होगा वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 8 का स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर से, 8 का स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है, 15 का स्क्वायर जो होगा 8 के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर से बड़ा होगा, तो यहाँ 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, माइनस 64 बड़ा होगा x के स्क्वायर से, तो यहाँ पे x का स्क्वायर जो होगा छोटा होगा, यहाँ पे घटा दीजिए, 15 में से 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा और 22 में से 6 घटेगा 16 बचेगा, 161 आ रहा है, कितना आ रहा है 5 में से 4 घटा, यहाँ पे 161 आएगा ना, 5 में से 4 घटा 1 बचा और यहाँ 22 है, 22 में से यहाँ पे
आपका कितना आ जाएगा 161 आ जाएगा, आ जाएगा ना। यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। अब यहाँ पे x का स्क्वायर जो होगा वो 161 से छोटा होगा, तो यहाँ पे हम पूर्ण वर्ग लेंगे और बराबर का साइन लगेगा 144, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 144 होता है। तो x जो होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा 12 से, ठीक है, x जो होगा छोटा होगा या बराबर होगा 12 से। तो यहाँ पे आपको पता है कि x जो है 7 से बड़ा होना चाहिए और 12 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका x का मान क्या क्या हम ले सकते हैं, तो x बराबर आप ले सकते हो भाई साहब 8, 9, 10, 11 और 12, मतलब केस वन में हमारा 5 गो ट्रायंगल बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे कितना बनेगा, 5 ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा, केस वन से केवल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा, 5 गो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। यहां तक तनिक भी समस्या नहीं होगा, आपको तनिक भी परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ेंगे, यहां से आगे ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट पे चलेंगे। तो अभी हम 15 को लार्जेस्ट साइड माने, अब x को लार्जेस्ट साइड मानना पड़ेगा। तो यहां से केस टू अगर हम ले लेते हैं, केस टू एक्स इज द लार्जेस्ट साइड, एक्स इज द लार्जेस्ट साइड। तो अगर x जो है सबसे बड़ी भुजा है, तो x का स्क्वायर बड़ा होगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर से। तो यहाँ x का स्क्वायर यहाँ पे 64 और प्लस में 225 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का स्क्वायर बड़ा होगा 289 से, मतलब x जो होगा वो आपका 17 से बड़ा होगा। x क्या होगा, 17 से बड़ा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे ही पता चला कि x 17 से बड़ा होगा इस केस में, तो यहाँ से ही पता चल जाना चाहिए कि x 23 से छोटा होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ना कि x 23 से छोटा होगा। तो यहाँ पे आपका x का मान कितना कितना मिला भाई साहब, बता दो फटाफट। तो यहाँ पे x बराबर आप क्या क्या ले सकते हैं, 18, 19, 20, 21 और 22। तो मतलब कि केस टू में आपका 5 ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना, 5 ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बना 5 को। तो टोटल ट्रायंगल कितना बना, टोटल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कितना बना, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल जो है आपका कितना बना, एंगल ट्रायंगल जो है आपका कितना बना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 5 बन रहा है और यहाँ पे 5, 5, 5, 10 ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनेगा, जो कि ऑप्शन किधर है, ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया, यहाँ तक तनिक भी समस्या नहीं होगा, ना ही तनिक भी परेशानी होगी, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। आगे आ जाइए, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो हम कहेंगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल को रोक लेते हैं, ठीक है, यहाँ से इस पे करते हुए, क्वेश्चन करते हुए नेक्स्ट में करते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा ही लेके चलते हैं, लेकिन आराम आराम से कीजिए और बेहतरीन कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर इसी में ज्यादा एक एक में ज्यादा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो पहले एक तो आपको ये जो चीज नया सीखने को मिला है, ये सब सारा, इस सब में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको आ रहा होगा, तो इसको 2-3 बार क्लियर कीजिए, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा जो सोल्यूशन कर रहे हैं सर, एग्जाम में इतना लंबा हो पाएगा, तो भाई साहब ये सब तुमको एग्जाम में लिखना ना होता है, ठीक है, ये लिख के किसी को दिखाना नहीं होता है। एक लाइन ही लिखोगे और अगला लाइन ही आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, ये लिखना नहीं होता है। ये जो केस टू यहाँ पे एक्स इज द लार्जेस्ट साइड हमने लिखा है, ये लिखना ना होता है एग्जाम में, लिख के किसी को दिखाना नहीं होता है। एक लाइन ही लिखोगे, अगला लाइन आपको पता चल जाएगा कि एक्स, यहीं से नहीं पता चल रहा है कि 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर कितना होगा, 17 का स्क्वायर नहीं पता है, तो x जो है 17 से बड़ा होगा ही नहीं पता चलेगा, तो ये लिखना नहीं होता है। यहाँ पे हमने 5 काउंट किया, यहाँ पे 5 लिखा है, फिर यहाँ पे ही लिखा है, इतना लिखोगे, यही पे 5 को दिख गया और यहाँ पे 5 को डायरेक्ट 10 को टिक नहीं करोगे आंसर, तो ये ज्यादा लाइन का आंसर नहीं है, बस 2-3 लाइन का ही है, ठीक है, बशर्ते कि अभी आपको पूरा क्लियरिटी से समझ में आ जाए, ठीक है, इसलिए इतना बताया गया। और उन लोग का जो आप देखते हैं कि छोटा में बना दिया, तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है, जो कहते हो ना कि मैथ समझ में नहीं आता है, तो इसीलिए समझ में नहीं आता है, क्योंकि इसको शॉर्ट में निपटा देगा अपना बनने के चक्कर में, और हमको बनना नहीं है, हम बेसिक के लिए जाने जाते हैं, बेसिक है हमारा, ठीक है। तो आ जाइए, आज का सब हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, छोटा छोटा ही पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए, जिस दिन कम्प्लीट होगा उस दिन बेहतरीन कम्प्लीट होगा, हड़बड़ा के पढ़िएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम आपसे फिर अगले सेशन में, और तैयार रहिएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अगला एक्सटीरियर एंगल से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट करते हुए, क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।
लाइक और कमेंट और शेयर जम के होना चाहिए, भड़ भड़ के होना चाहिए, जैसे हम शिद्दत से भड़ भड़ के आपको पढ़ा रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, तो वैसे ही शिद्दत से लाइक शेयर और कमेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय।